मैंने अगेन हमेशा आपसे कहा हम जो टॉपिक स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ये एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा टॉपिक होता है जो कि इंटीग्रेशन से भी बड़ा टॉपिक होता है मैंने इंटीग्रेशन कितना डिटेल में आपको समझाया हुआ है डेरिवेटिव कितने डिटेल में आपको समझाए हुए सीक्वेंस सीरीज कितने डिटेल में आपको बताई हुई है कितना डिटेल में बताया हुआ है मगर स्टिल स्ट्रेट लाइन का टॉपिक ये वो टॉपिक है जो कि आई साइड नर्स साइड जीआई के साइड जी एक बहुत मेजॉरिटी इंपॉर्टेंस का हामिल है या फिर आप जीआरई वगैरह के लिए जाते हो बाहर की यूनिवर्सिटी के टेस्ट करिए तब भी स्ट्रेट लाइन एनालिटिकल ज्योमेट्री का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है तो इसकी इंपॉर्टेंस को काइंडली समझो मेरी वीडियोस की तादाद से भी समझो कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उस ऊपर मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि लोग इसको देखेंगे मुझे पता है कि भाई जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है तो काइंडली इसको समझो यहां पर किसी भी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो वहां पे लाजमी इससे क्वेश्चन आएंगे कम से कम दो आएंगे कम से कम एक ज्यादा आएंगे मैं इसकी गारंटी आपको देता टॉपिक नंबर हमारी वीडियो लेक्चर नंबर वन था वो किसके ऊपर था मेरा बेटा कॉर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कार्टिशन कॉर्डिनेट और पोलो कॉर्डिनेट हमने समझे उनके क्वेश्चन करे पास्ट पेपर में आने वाले नस्ट और आईबीए के और एल के देन हम सेकंड लेक्चर के ऊपर गए जो कि हमारा मिड पॉइंट सेंट्रॉइड और

कोचिंग सेंटर के अंदर तो इनमें क्या फ़र्क है बेटा कोचिंग सेंटर ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाकर यहाँ पे आपको देता हूं मैं हालांकि वहां पे पैसे मिलते हैं पैसे नहीं मिलते मैं उपील नहीं कहता हूँ बट रीज़न क्या है रीजन ये है कि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है एक बेतहाशा आवाम पढ़ती है जो आवाम पढ़ती है अलमदुल्ला वो एक्नॉलेज करती है एक्नॉलेज करती है तो मुझे दुआ मिलती है भाई जो एक रब ने मुझे एक चीज़ दी हुई है उसको आगे पहुंचाने का जरिया बनो इम अपने पर के सड़ाया ना करो इलम को आगे बांटो ये इलम आगे बांटने की चीज है अगर कल को तुम इसको आगे बांटोगे तो कल को तुम्हें वापस भी मिलेगा इसकी गारंटी मैं देता हूं तो कहने का मकसद ये था कि भाई हमारा स्लोज का टॉपिक चल रहा था स्लोज का टॉपिक स्ट्रेट लाइन का सबसे बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर और तो हमने कई तरह के भी टॉपिक्स देख लिए सब टॉपिक्स मगर फिर भी हमारे सब टॉपिक सारे कंप्लीट नहीं हुए अभी तो स्टार्ट हुए बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है इंटरसेप्ट का इंटरसेप्ट क्या होता है और क्या नहीं होता अभी के हम वीडियो लेक्चर में इसको इनशाला समझेंगे कि भाई

वो वाला काटना जो आप समझ रहे हैं नहीं बेटा वो वाला काटना नहीं होता ये दूसरा काट, काटना होता है अगर एक्सिस के ऊपर काटा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं दुनिया में दो ही एक्सेस हमारे पास नॉर्मली होते हैं प्लेन प्लेनर स्केल स्केल के उपर, प्लेन स्केल के ऊपर ऊपर प्लेन प्लेन एक एक एक्स और वाई एक एक स्पेस जो हमारा आ रहा था उसके हमारा तीन एक्सेस होते हैं बटो फिजिक्स का है वो अगेन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करवाऊंगा आपसे कहने का मकसद क्या नॉर्मली हमारे पास जो फिजिकल नॉर्मल प्लेन जो होता है उसको दो एकज होते हैं एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस अगर आपकी लाइन

ऊपर से कोई लाइन कट करते हुए गुजर जाए जो ये जो लाइन थी बाइक क्या करते हुए गुजर गई कट करते हुए तो क्या बन गया ये इंटरसेप्ट बन गया सर कौन सा इंटरसेप्ट बन गया एक्स का भी तो इंटरसेप्ट है तो ये कौन सा बन गया वाई इंटरसेप्ट बन गया यानी कि वाई के ऊपर कट करना क्या बन जाएगा वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा तो सर ये एक्स इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट होता क्या है

हर शैतानी करने वाले बच्चे से पूछता हूँ मेरा एक तरीका है फिजिक हमेशा क्वेश्चन उस बच्चे से पूछो जो जा तो ज़्यादा शैतान है ये ज़्यादा चलाक है क्योंकि अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अंदर तो पूरी क्लास पढ़ रही होगी क्या मैंने कहा मैंने कहा कि कभी भी अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को कट करते हुए किसी बच्चे को मुझे समझाना होता है सिर्फ एक क्वेश्चन पूरी क्लास में पूछता हूँ वो क्वेश्चन में ये पूछता हूँ मुझे बात बताओ किस एक्सेस है इसके ऊपर क्या चीज जीरो होती है इस पूरे के पूरे एक्स एक्सेस के ऊपर हमेशा एक ही क्वेश्चन अपनी क्लास में पूछता हूँ एक्स इंटरसेटर पढ़ाते वक्त मुझे बात बताओ कि अगर मैं एक

नहीं बताओ भाई आपस की बात है क्या है मैंने क्या कहा मुझे एक बात बताओ कि बेटा X के ऊपर क्या चीज़ जीरो होती है तो मेजोरिटी आवाम खामोश रहती है या फिर माशाल्लाह से बता भी देती है अच्छी बच्चे भी होते हैं तो क्या होता है एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जीरो यानी कि जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है ये वाली लाइन इसके ऊपर हमेशा मेरा बेटा वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी सर क्या मतलब समझा नहीं मैं बेटा कभी जिंदगी में ग्राफ बनाया तो यहां पे जो पॉइंट आ रहा था उसकी वैल्यू क्या होती थ्री कमा जीरो की जो लाइन होती है उस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होगी y की वैल्यू तो अगर मैं अगर मैं इस बात को यहां पे लिख दूं मैंने क्या बोला x एक्सिस के ऊपर क्या जी जीरो वल टू जीरो होती है यही इसी चीज को हम इक्वेशन ऑफ भी कहते हैं ये एक मैंने एमसी पढ़ाया आप लोगों को क्या पढ़ाया मेरा पढ़ाने का तरीका बेटा ये है मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा सर ये आपने क्या बात करी समझाएंगे दोबारा मैं दोबारा रिपीट करता हूं पीछे रिपीट करने की जरूरत नहीं है मैं अपने मुंह से बार बोल देता हूँ कि बच्चा वो समझ जाता है याद करवा के भेजता हूं मैंने क्या कहा मैंने कहा मुझे ये बात बता दो कि एक्स एक्सेस के ऊपर कौन सा पॉइंट हमेशा जीरो होता है सर वाई की वैल्यू जीरो होती है तो y इज इक्वल टू जीरो क्या होता है हमेशा x के ऊपर और इसी चीज को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है IBS साइड भी नेट साइड भी एनईटी साइड भी KU साइड भी fast साइड भी GI के साइड भी हर जगह का ई e कैट का स्ट्रेट लाइन का या बी कैट की स्ट्रेट लाइन के टॉपिक अगर एनालिटिकल ज्योमेट्री का आएगा ये एमसीक्यूज मशहूर जमाना है, जमान है। तभी ये कॉन्सेप्ट बच्चे को देना होता है एक नॉर्मल टीचर जो होता है वो सिर्फ एक घंटे में लेक्चर कंप्लीट करने के नाम के ऊपर सिर्फ फॉर्मूला लिखवा कर ऊपर ऊपर के स्लोप के फॉर्मुला निकलवा के बोलेगा घर जाके सॉल्व कर लेना कैसे सॉल्व कर ले बच्चा अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मैंने क्या कहा एक्स एक्सेस के ऊपर क्या चीज़ जीरो होती है हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है और यही चीज बेसिकली एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है सर हम तो एक्स एंटरसर पढ़े थे आपने क्या बता दिया बेटा उसके ऊपर भी आ रहा हूं तो अगर मेरे पास वाई की वैल्यू जीरो होगी तो कोई और चीज़ टर्म यहाँ पे होगी ना तो इसका पॉइंट क्या होता है कॉमा जीरो का एक्स इंटरसेप्ट को हम डिनोट करते हैं एके पॉइंट से तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी वहां पे एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा जीरो की डिनोशन होती है एक्स ए से सर वाई इंटरसेप्ट इस चीज से होती है बिल्कुल टॉपिक पे भी इंशाल्लाह आएंगे तो उसको सीखते हैं मैंने अब तक की क्या बात करी अगर मैंने तेजी से बोल दिया अगर कुछ मसला मसाला किसी को हो गया मैं दोबारा रिपीट करता हूं मैंने अब तक की दो बातें करी पहली बात इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या होता है कट करना के कट करने को अच्छा दो तरह के इंटरसेप्ट होते होता है अगर कोई लाइन एक्स एक्सेस को कट करते हुए जा रही है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर उस लाइन ने एक्स एक्स के ऊपर कट करा वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा इंटरसेप्ट तो होगा मगर कौन सा इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट क्योंकि एक्स पे कट हुआ है ना इसलिए उस पॉइंट का नाम क्या होगा एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट को डिनोट हम करते हैं ए से तो मैंने दूसरी बात क्या करी कि एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर क्या जीरो होती है हमेशा वाई जीरो होगा तो ऑब्वियसली सी बात है अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू ढूंढनी होगी तो ये वैल्यू को जनरली कैसे मैं डिनोट करवा सकता हूँ ए कॉमास जीरो के जरिए ए क्या चीज़ है एक्स इंटरसेप्ट यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू होगी कोई ना कोई और कॉमा जीरो जीरो क्या है चूँकि एक्सेस एक्स एक्सेस के ऊपर है और एक्स एक्सेस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है जीरो आ जाएगा मैंने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बताई एक्स एक्सिस की इक्वेशन कभी पूछ ली जाती है कहा जाता है मासूमियत की तरफ की तरह से एग्जामिनर की जानव से मासूमियत वाले अंदाज में एग्जामिनर कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बता दो जरा तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि वो टर्म होगी जो एक्स के ऊपर जीरो होती है और क्या टर्म एक्स के ऊपर जीरो होती है हमेशा वाई की वैल्यू एक्स के ऊपर जीरो होती है इस तरीके से आप क्वेश्चन बच्चे को समझाने की कोशिश करते हो मेरा तरीका पढ़ाने का ये है आई गेस इंशाल्लाह अच्छा लगेगा लगे तो कमेंट लाइक भी करें शेयर भी करें सब्सक्राइब भी करें देन हमारे पास आता है वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आता है बेटा वाई इंटरसेप्ट मैं अगेन वाई इंटरसेप्ट का टॉपिक क्या भाड़ में बाद में डिस्कस करेंगे सबसे पहले मुझे बता दो वाई एक्सिस के ऊपर इस लाइन के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होगी आई गेस अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं वाई इंटरसेप्ट की जो लाइन है इस लाइन के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होगी सर एक्स की वैल्यू जीरो होगी सर क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली बात है सर अब तो समझ में आ गया तो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है एक्स की वैल्यू और यही टर्म यही चीज बेसिकली क्या होती है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इसी का नाम क्या होता है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है तो वो टर्म होगी जो वाई की लाइन के ऊपर जीरो होती है और क्या चीज होती है जीरो एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है

जिस तरह एक्स इंटरसेप्ट को ए से डिनोट किया जाता है वैसे ही वाई इंटरसेप्ट को बी से डिनोट किया जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की हमारे पास क्या वैल्यू होगी जीरो कामा बी सरिएीरो कामा बी कैसे हुआ बेटा चूंकि वाई इंटर वाई एक्सेस की लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी कॉमा कुछ भी करके फाइव होगी टू होगी फोर होगी अब चूंकि वाई इंटरसेप्ट की जनरली अगर मैं डिनोट करवाना चाहता हूँ तो कैसे डिनोट करवाते हैं वाई इंटरसेप्ट को बी के जरिए तो पॉइंट क्या होगा जीरो कामा बी इस तरीके से हम इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट को बच्चे को बता रहे होते हैं इंटरसेप्ट होता है क्या अब मैं अगर जल्दी से अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कर करूँ हमने क्या पढ़ा अभी तक

रखने का एक बहुत ही आसान तरीका बता दिया बच्चे इसके रट्टे मारते हैं टीचर इसके रट्टे लगवाते हैं क्या आसान तरीका मैंने आपको बताया कि जो चीज एक्सेस ऑफ एक्स के ऊपर जीरो, वाई। तो वाई जीरो हमेशा आ जाए या कहा जाए इक्वेशन ऑफ वाई एक्स बता दो तो कैसे बताओगे रट्टा मारने की मेरा बेटा जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट लो कॉन्सेप्ट लेने के लिए मेरे पास आते हो क्या कॉन्सेप्ट है कि वाई के ऊपर जो चीज जीरो है वो वाई की इक्वेशन है वाई एक्सेस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है जीरो हो तो ही की वैल्यू जीरो होगी हमेशा तो वही चीज क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस? तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है आइए अब जरा मैंने नस्ट और आईबी के या एनडी के तीनों में से किसी दो के पास पेपर से क्वेश्चन ढूंढ के रखे हुए वो इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिशियल होंगे क्योंकि मेरे अगर चैनल के ऊपर आए हो तो आपको एक बार पता होनी चाहिए कि मेरे टॉपिक के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के साथ कोई ना कोई मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के मशहूर यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिया गया होता है मैं ओपनली कहता हूं मैं अपना लेक्चर बनाता इस तरीके के ऊपर हूँ तो आइए जरा उसको चेक कर लेते हैं अब देखिए मेरा बेटा मेरे पास ये मशहूर जमाने के क्वेश्चन आए ये इधर नस्ट का हो या इधर ही आई बी एनडी में ओपनली कहता हूं कि तो मैं लेक्चर किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के उससे तो उठा रहा होता हूं अब मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है अगर आपने लेक्चर थ्री बी और थ्री ए देखा हुआ है स्लोप वाला तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और बाकी फिर आज का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है क्या कह रहे हैं द स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन कह रहे है, एक तो स्लोप बताओ और एक क्या बताओ एस इंटरसेप्ट की वैल्यू तभी हमने क्या पढ़ा भी इंटरसेप्ट पढ़ा तो के रिलेटेड ऑब्वियसली देखने पास्ट पेपर का ये इधर इधर नस्ट का का या फिर होगा इंशाल्लाह इनमें से कहीं एक मैंने उठाया था क्या कह रहे हैं कि एक तो भैया इस लाइन का स्लोप बताओ और दूसरे नंबर के ऊपर क्या चीज फाइंड करने को कह एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू सर ये तो अजीब सा क्वेश्चन है सर कैसे निकालेंगे चले सर कुछ स्लोप के बारे में तो मुझे याद है बट इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे बेटा अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना मैं इसी गारंटी देता हूं इंटरसेप्ट को भी समझाऊंगा और इन समझ के उठोगे तुम क्या कह रहे हैं स्लोप और एक्स इंटरसेट निकालना है आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन गे हुए और आपको इस इक्वेशन का क्या निकालना है एक स्लोप निकालना है और फिर क्या निकालना है इंटरसेप्ट तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन में लिख लेता हूं यहां पे खूबसूरती के साथ क्या लिखी हुई है टू एक्स माइनस का वाई इक्वल टू टू मुझे इक्वेशन गिवन है सबसे पहली चीज का फाइंड कह रहा है स्लोप सर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे अच्छा स्लोप सबका ही थ्री आ रहा है तो माशाल्लाह से स्लोप की वैल्यू थ्री आ हीनी चाहिए बट मुझे साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तीनों के अंदर चारों के अंदर ऑप्शन पहली बार सेम आ रही तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू सेम सबके अंदर एग्जामिनर ने पहली दी हुई है मगर खैर ऑप्शंस को भी देखते नहीं है पहले सॉल्व करने के ऊपर जाते हैं मैंने आपको स्लोप स्लोप का जब टॉपिक पढ़ाया तो आपको तीन फॉर्मूला समझाए तीन फॉर्मूलाज के बारे में बताया पहला फॉर्मूला क्या था मेरा बेटा जब कभी इंक्लीनेशन गेमेनो यानी कि थ्री का लेक्चर पूरा का पूरा थ्री का लेक्चर क्या था इंक्लीनेशन होती क्या एंगल तो एंगल के लिए हमारे पास स्लोप कौन सा फॉर्मूला होता है आपको पता है फिर मैंने आपको क्या बताया जब कभी हमें एंड पॉइंट्स गिवन हो या पॉइंट्स गिवन हो तब अगर हमें स्लोप निकालना हो तब कौन सा

से हमें फॉर्म लेकर है तो बेटा इसका स्लोप क्या आ रहा होगा कोफिशियन ऑफ एक्स कोफिशियन क्या होता है सर बेटा कोफिशियन कहते हैं हम उस वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को तो कोफिशियन ऑफ एक्स यानी कि एक्स के एक साथ लिखी गई ट्रम क्या है एक्स से लिखी गई ट्रम थ्री तो यहां पे एक जगह पे क्या आ जाएगा थ्री फिर डिवाइड का सिंबल फॉर्म लेगा फिर क्या है बी सर बी क्या होता है कोफिशियन ऑफ वाई मेरा बेटा कोफिशियन ऑफ वाई का मतलब क्या है बी के साथ लिखा गया नंबर सर यहाँ पे तो कुछ भी लिखा हुआ बेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो माइनस तो क्या है वन होगा कुछ भी नहीं लिखा हुआ वाई के साथ तो क्या होगा वन होगा और माइनस एज इट इज आ जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का वन इस माइनस से माइनस वन कैंसिल आउट तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है इस लाइन के थ्री स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है इस लाइन के थ्री सर ये वाला क्वेश्चन पार्ट तो बहुत आसान था आपने ये वाला कर दिया सर एक्स इंटरसेप्ट मुश्किल था सर वो बताएं ना बेटा वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह क्यों एंसर ले रहे हो एक्स इंटरसेप्ट निकालने वो कह रहा है अच्छा सिंपल तरीके से मैं इक्वेशन क्या कर रहा हूं यहां पे लिख देता हूं मुझे एक बात बताओ हमने अभी पढ़ा इंटरसेप्ट क्या होता है इंटरसेप्ट क्या होता है हमने बस उस फॉर्मले को भी यूज करना है कैसे यूज करना है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके मुझसे है ना इंशाल्लाह मैं तरीके समझाऊंगा क्या कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ अच्छा मुझे एक बात बताओ एक्स इंटरसेप्ट के भी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी कि एक्स इंटरसेप्ट वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर क्या चीज जीरो

x इंटरसेप्ट होता है हमारे पास वो 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 पर्टिकुलर 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 पॉइंट या या चीज तो, तो भैया तो इस y की वैल्यू जीरो को वैल्यू बता दूंगा मगर ये जो x निकलेगा x नहीं होगा बल्कि क्या होगा इंटरसेप्ट सर आपने क्या कहा समझ में नहीं आया बेटा करके दिखाऊंगा तो जरूर समझ में आएगा ना तो

तो क्या हो जाएगा भैया थ्री एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू टू ये थ्री यहां हो रहा है बेटा वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड तो सिंपली आपके पास एक्स इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आ रही होगी टू डिवाइडेड बाय थ्री क्या वैल्यू आ रही होगी टू डिड बाय थ्री तो चेक कर लें आप कौन सा ऑप्शन के अंदर यह वैल्यू आ रही है आई गेस इस ऑप्शन के अंदर आ रही है तो हमारा क्या होगा आंसर होगा इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आई गेस अब आपको ईजी लग रहा होगा क्यों ईजी लग रहा होगा अपने कॉन्सेप्ट लिया अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं लेते मैं सिंपल तरीके से मेरी फॉर्मूलाज करवा के लिपटता रहता तो आप भी लिपटते जाते आपको कोई मसला नहीं था तो आप लोग इंस्टीट्यूट के अंदर चालीस चार हज़ार रुपये देखिए पढ़ रहे हो तो माशाला से मगर आपको ये नहीं पता होगा बट टीचर किस कैलपर के ऊपर आपको पढ़ा रहा है मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ इसलिए मैं पढ़ाता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ मुझे शौक है पढ़ाने का उस लेवल के ऊपर इसलिए

बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्या आसान क्वेश्चन है आइए देखते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्या कह रहा है के की वैल्यू पता लगानी है और हमें एक इक्वेशन दे दी क्या कह रहा है के की वैल्यू को फाइंड करो और आपको एक इक्वेशन दे रहा है क्या इक्वेशन दे रहा है उस इक्वेशन को खूबसूरती के साथ उतार देते हैं के एक्स माइनस का थ्री वाई इक्वल टू फोर के कहते हैं विल हैव वाई इंटरसेप्ट टू पूरा क्वेश्चन दे दिया मेरा बेटा पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया क्या कह रहा है इस इक्वेशन में से के की वैल्यू को बताओ जब इस इक्वेशन के अंदर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू हो टू सर क्या मतलब सर समझ में नहीं आया बेटा वाई इंटरसेप्ट क्या होता है उसने आपको किस चीज की वैल्यू दी है अब वो आपसे इंटरसेप्ट फाइंड करने को नहीं कह रहा है। आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा है तो हम बेसिकली इस इंटरसेप्ट की वैल्यू को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कैसे मैं पहले लिख देता हूँ फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा मसले की बात थोड़ी है मेरे लिए वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू का दे रहा है बेटा आपको वाई इंटरसेट होता क्या है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जीरो वाई इंटरसेट मेरा बेटा कौन सा पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जीरो आपको बेसिकली किसकी वैल्यू है तो अगर मैं कहूं ये मुझे किस चीज की गिवन है वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट है जो कि क्या है जीरो आपने जीरो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू थी तो बेटा वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बी वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बी और आपके पास वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या बनता है जनरल पॉइंट जीरो बी तो इस बी की जगह के ऊपर टू डालू तो क्या बन जाएगा जीरो अब बात क्लियर हुई अब क्या कह रहा है? पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने देखा इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एक इक्वेशन से एक अननोन निकालने को दे रहा है और हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी है हमें उस इंटरसेप्ट की दी गई वैल्यू को यूज करते हुए उस पर्टिकुलर अननोन को फाइंड करना है ऑन दी अदर हैंड जो पिछला क्वेश्चन हमने कर रहा था उसके अंदर क्या था हमें इक्वेशन गिवन थी प्रॉपर और उसके अंदर से हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना था तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है तभी मैंने दोनों तरह के मलाइयों वाले क्वेश्चन वो करवा रहा हूं एक क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है दूसरे से ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरीके से क्वेश्चन मशहूर यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे जाते हैं या जी वगैरह के लेवल्स के ऊपर पूछे जाते हैं आपके पास अब आपसे क्या कह रहे हैं

इक्वेशन क्या आ रही है के एक्स तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा जीरो फिर क्या आ रहा है माइनस का थ्री वाई वाई की जगह पे क्या आ जाएगा टू और फिर क्या आ रहा है फोर के तो के इन टू जीरो माइनस का थ्री टूर क्या होता है माइनस का सिक्स इक्वल टू फोर के ये फोर बेटा यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के दूसरी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास माइनस का सिक्स डिवाइडेड बाई फोर टू टू जार फोर और टू थ्री सिक्स तो के की वैल्यू मेरे बेटा मेरे पास क्या आ रही होगी माइनस का थ्री डिवाइडेड बाय टू के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस का थ्री डिवाइड बाय टू यहाँ पे इस तरीके से हमारा इंटरसेप्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है बट अभी भी हमारा ये पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई अभी तो हमने इंटरसेप्ट टॉपिक पढ़ा अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के लेक्चर के सेकंड टॉपिक की जाने जो कि हमारा इंशाल्लाह होगा कॉलिनियर पॉइंट्स के ऊपर अच्छा बेटा अब इस वीडियो लेक्चर के सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि किसके ऊपर है कॉलियर पॉइंट कॉन्सेप्ट से अगेन कह रहा हूँ सिर्फ बेटा आपको अगर ये वीडियो देखने में मसला हो रहा है आपको लग रहा है बड़ी वीडियो है कि हमारे फलां टीचर तो इतनी जल्दी पढ़ा देते हैं तो कॉन्सेप्ट सर पता नहीं लंबा क्यों खींच रहे तो बेटा वो फलां टीचर जिस तरीके से पेलना आता है उन्हें मुझे भी आता है ऑब्वियसली मैं भी इन्हीं इंस्टीट्यूट्स का टीचर हूँ इतने साल से मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ मुझे भी आता है बट अगर मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट करके फुल मेहनत वाली करके वीडियो बना रहा हूँ ना अगर अपना गला सुखाकर तो उसका मतलब क्या है मैं चाहता हूं कि आप अच्छे लेवल के ऊपर पढ़ सको मैं भी एक घंटे आधे घंटे का चैप्टर मैं टू निपटा सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से दूसरे टीचर निपटाते हैं तो मेन रीज़न क्या है मुझे पता है यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर खुद आइडिया करो कितने सब टॉपिक्स हमारे पास आए जिनको बारी बारी हम कवर करते हुए जा रहे हैं इन अब हमारे पास एक और टॉपिक क्या आता है कॉलिनियर पॉइंट्स कॉन्सेप्ट अगेन कॉलोनियर पॉइंट्स कॉन्सेप्ट मेरा बेटा होता है कि छोटा सा एक्सप्लेन कर दूँ मैं इसको आपसे कहता है कभी भी अगर आपके पास एक लाइन लाइन के ऊपर अगर आपके पास तीन पॉइंट है।, है? है एक point A है, एक point B और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।, है कह क्या रहा है कि एक लाइन है अगर आपके पास और एक लाइन के ऊपर आपके पास कितने हैं तीन पॉइंट्स हैं तो कॉलिनियर पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप स्लोप निकालो किनके दरमियान का से लेके बी तक का अगर आप स्लोप निकालो फिर अगर आप स्लोप निकालो ए से लेके सी तक का मैंने क्या बात कही मैंने कहा पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली अगर आप स्लोप निकालो पहले दो पॉइंट्स का और फिर स्लोप निकालो पहले और आखिरी पॉइंट का तो ये बात लाजिम है ये बात लाजिम है कि हमेशा उनकी वैल्यूज बराबर आनी चाहिए यानी कि पहले दोनों पॉइंट्स के स्लोप का आंसर बराबर आएगा पहले और आखिरी पॉइंट के स्लोप के ये बात, ये बात, टॉपिक ये कहता है कॉलिनियर पॉइंट्स का कहता है कि दुनिया के अंदर एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट्स हैं, तो अगर अगर वो कॉलिनियर पॉइंट्स हुए तो उसका मतलब क्या कॉलिनियर थ्योरी को प्रूव कर रहे होंगे कॉलीनियर थ्योरी हमसे कहती है कि अगर आप पहले दो पॉइंट्स के दरमियान का स्लोप निकाल लें तो स्लोप की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी पहले और आखिरी पॉइंट के दरमियान के स्लोप के यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कॉलिनियर पॉइंट का मगर इस कॉन्सेप्ट की अफादियत तो अहमियत बहुत ज्यादा है पेपर के अंदर क्योंकि इसके ऊपर अक्सर पेशता एनसी को पूछ लिए जाते हैं अब देखिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट आ रहा है ये का guess, है। मैंने से मैंने वाला क्वेश्चन उठाया था स्लो का टॉपिक बहुत ज़्यादा आ रहा है 2015 के बाद से अगर आप अपने पेपर्स को रीड uh, करें और नस साइड साइड जीआई के साइड के ऊपर मेजर टॉपिक होता ही है geometry, भी बहुत ज्यादा पूछे जाने लग गई है ऊपर तो yeah. क्या कह रहा है कह रहा है कि अगर आपके पास इफ द पॉइंट जीरो कॉमा माइनस वन एक्स कॉमा वन एंड टू कॉमा थ्री कॉल यूर द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कह रहा है कि अगर आपके पास अगर आपके पास एक लाइन है इस लाइन के ऊपर तीन पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट जीरो कॉमा माइनस वन दूसरा पॉइंट एक्स कॉमा तीसरा पॉइंट टू कॉमा क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक

और दूसरे पॉइंट का स्लोप निकालेंगे फिर पहले और आखिरी पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो अगर मैं कह दूं फर्स्ट पॉइंट को अपना ए फर्स्ट पॉइंट को ए कह दूं सेकंड पॉइंट को बी कह दूं थर्ड पॉइंट को सी कह दूं तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे फिर स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे और बाद में दोनों कंपेयर करवा के अपना फाइनल रिजल्ट जो कि एक्स है वो फाइंड कर लेंगे तो मेरे पास अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी पहले निकालू तो स्लोप ऑफ ए बी में बेटा में कैसे निकालूंगा

अगर अपने साथ ज़्यादा कर रहे हो तो भाई अपने साथ ना इंसाफ़ी कर रहे हो अगर नहीं पढ़ते आप, आपको पढ़ना चाहिए अपने साथ खुद से वीडियो को स्टॉप करके कुछ नोमेरिकल्स को ख़ुद से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो कुछ एम को अपने साथ ना इनाफ़ी ना करो बेटा अपने आप को ज़ाया ना करो अगर आपको कोई देखने वाला नहीं है तो इस बात की कंडीशन रखो आप जिस भी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट में खाली मेहनत से जा सकते हो और कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है तो इस बात को हमेशा याद रखा करो क्या कह रहे हैं सिंपल तरीके से स्लोप ऑफ ए बी अगर मैं निकालूंगा कैसे निकालूंगा ए का पॉइंट क्या गिवन है जीरो माइनस वन बी का पॉइंट है वन पहला पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारे पास एक्स वन वाई वन दूसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारे पास एक्स टू वाई टू स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है वाई टू माइनस का वाई वन वाई टू क्या है मेरा बेटा वन माइनस फॉर्मूले का माइनस का साइन फॉर्मूले का और बाय वन की वैल्यू भी क्या है माइनस का वन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का वन फिर क्या कहने एक्स टू माइनस का एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन से मुराद क्या है एक्स माइनस का जीरो क्या हो जाएगा एक्स माइनस का जीरो तो बेसिकली मेरे पास स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ बी की क्या वैल्यू आ रही है one plus one, और X as it is. तो Slope of A, की क्या वैल्यू आ रही है सर अब क्या करेंगे? बेटा अप्लाई तो अब पहले और आखिरी पॉइंट का स्लोप निकालेंगे किसका स्लोप ऑफ ए सी सर अभी फाइंड कर लेते हैं कोई मसले की बात थोड़ी है तो बेटा स्लोप ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे आप लोग ए पॉइंट की वैल्यू रखेंगे जीरो काम माइनस का वन

तरीके से देख ले ऑल दो आई होप कि मैं अला ने मुझे इतनी स्किल्स दी है कि मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ बट स्टिल अगर कोई आपको इशू हो रहा है तो तभी एक एक बात मैं इसलिए लिखता हूँ कि तो आप वो ईजीली पढ़ के भी अंदाजा कर सको बट पेपर के अंदर ऑब्वियसली सॉल्व कर रहे ऑब्वियसली आपको फॉर्मला तो रट चुके होंगे रट चुके होंगे फॉर्मला तभी मैं बार बार लिखता हूँ मेरे स्टूडेंट को वैसे ही रट जाए तो अलग से कुछ फॉर्मला याद करने की नीड ना पड़े जहिर सी बात है अगर कुछ अगर टीचर एक बार फॉर्मुला लिख देगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाता कर रहे तो बच्चे को याद थोड़ी होंगे तभी मैं उस चीज को पहले खुद अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर और फॉमूला को दस दफा खुद लिखता हूँ कि बच्चे को बीस दफा लिखने जब पढ़े लिखने की नौबत ना है वो खुद ही पांच दफा में याद कर लेता है बच्चा क्लियर है मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरीके से होता है तो वाई टू माइनस वाई वन के हो जाएगा मेरा बेटा थ्री माइनस फॉर्मूले का और फिर वाई वन के अंदर क्या आ रहा है माइनस का वन तो माइनस माइनस प्लस का वन देन क्या आ रहा है एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा तो बल्कि तो तो ना स्लोप ऑफ ए सी निकालना था हमें तो क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरा बेटा एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे सर सिंपल सा तरीका है स्लोप ऑफ ए बी को स्लोप ऑफ करवा देंगे

एंगल जब फॉर्म हो रहा हो तब क्या क्या फॉर्मला होगा उस फॉमले को हम थ्री डी के अंदर डिस्कस करेंगे इन यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर तो आई गेस यहां तक आपको बात समझ में आई होगी अगर आपको पढ़ाने के अंदर समझ में आया मेरा जज्बा समझ में आया जिस तरीके से मैं पढ़ा पढ़ाओं को समझ में आए तो काइंडली लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बता आपने कहाँ से मेरे फेसबुक पेज को आकर लाइक करें शेयर करें रिव्यू दें वहाँ पे मुझे बताएं कमेंट्स कर आपने किस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया और मैं किस तरीके से इसको और पॉजिटिव वे में सही कर सकता हूँ पॉजिटिव कमेंट्स करें मुझे बताएं नेगेटिव कमेंट भी करूँ तो अलग के बंद में मुझे फर्क नहीं पड़ता और क्योंकि मेरा पैशन है मेरा पैशन खाली फॉलो कर रहा हूँ मुझे बस तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आ, क्या लोग मुझे नेगेटिव वे में सोचते हैं क्या नहीं सोचते बट मेरा मेन मकसद क्या स्टूडेंट को समझ में आए अगर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो मेरा पैशन पूरा हो रहा है मेरा पैशन ये है टीचिंग कुछ चीज़ों का पैशन होता है ऑल और प्रोफेशन डिफरेंट होती है इंसान की पैशन पैशन डिफरेंट होता है तो मेरा पैशन है तो आई होप मैं इस पैशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकता हूँ तो कहने का मकसद ये कि अगर आपको क्लियर होता है तो काइंडली लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मुझे कमेंट्स करें बताएं मैं किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ अपनी चीज़ को मैं इंप्रूव करने की हज़ार कोशिश करता था करता हूँ और करता रहूँगा इन शाला क्योंकि इंसान ज़िंदगी के हर दौड़ में सीखता रहता है हजरत अली करीमुल्लाह वजी साहब का कॉल है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया मेरा उस्ताद और मैं उसका गुलाम हूँ जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया मैं उसका गुलाम हूँ हज़रत अली करीमुल्लाह वजी साहब का कॉल है चाहे आप शिया हों चाहे आप अहले तशी हों चाहे आप अहले हदीस हो चाहे आप देवंद हो चाहे आप बरेलवी हों हजरत अली सब के लिए मुकदस होते तो मेरे लिए भी मुक़दस है उस तरीके से तो ये एक कोटेशन मुझे ज़िंदगी में हमेशा पसंद रही तो इस कोटेशन को ज़रूर फॉलो करता हूँ इस कोटेशन को ज़रूर हमेशा बताता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर बहुत दफ़ा एक ही कोटेशन आपको लाजमी मिलेगी ये वाली तो मेरे नजरिए कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो कुछ हूँ अपने वजह से हूँ इसी बात पे बस इस वीडियो लैच ख़त्म करूँगा जिंदगी रही सेहत रही जरूर कभी लगा तो आप तमाम लोगों से बाकी ये है कि जिस भी इंस्टीट्यूट की तैयारी करो तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आप उस इंस्टीट्यूट में लाज़मी एडमिशन ले सको जजाक अल्लाह थैंक यू सो मच हाशुजा साइनिंग ऑफ